हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयरस्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं पैक्टिक स्पायरल्स की और उसके साथ स्पायरल जो हमारी फ्रिल्स होती हैं उसकी। तो सबसे पहले हम डॉट लगा लेते हैं, बड़े से छोटे छोटे स्टार्ट करेंगे। हमने सर्कल लिया, उसके अंदर आप एक सर्कल लेके उसमें एक डॉट की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लेते हैं स्पायरल। अगर हमने एक स्पायरल बनाना है, जैसे हम एक बड़ा सा स्पायरल बना रहे हैं, तो धीरे धीरे अंदर की साइड जाएं और अंदर की साइड जाकर एक हल्का सा डॉट लगा लें। ये आपका स्पायरल होता है। अब इसमें ही आपको बड़ा छोटा हर तरह के स्पायरल की प्रैक्टिस करनी होती है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर तरह से आपको इसको बनाना आना चाहिए। बड़े भी आने चाहिए और छोटे भी आने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले बड़ा बनाया था, अब हम छोटे की तरफ जा रहे हैं और छोटे स्पायरल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको अलग अलग तरह के स्पायरल्स बनाने आने चाहिए। अब हम चलते हैं कि हमने इन पे फ्रिल्स कैसे बनानी है। फ्रिल्स बनाने के लिए आपको एक रफ़ लाइन क्रिएट करनी होती है। एक रफ़ लाइन हमने क्रिएट की, इस पे आप स्पायरल क्रिएट कर लें और स्पायरल क्रिएट करके आप इसके सराउंड, ये जो आपकी चार लाइंस जो है साइड में दिखाई दे रही हैं, ये आपकी गाइड लाइन है और इसी को ही आपने इसमें फ्रिल बनानी है। इस तरह के पैटर्न में आपको फ्रिल क्रिएट करनी है। तो ये आपका स्पायरल के साथ फ्रिल बन जाएगी। ये पैटर्न आपको क्रिएट करना होता है। सेम इसी तरह से ही दूसरे में भी हमने एक रफ़ लाइन ली है, रफ़ लाइन क्रिएट करनी है। अगर इससे आपको सेंटर का पता लग जाता है और आपने कितना रोटेट करना है उस चीज़ का आइडिया हो जाता है। और इसमें भी आपने इसी तरह से ही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपनी फ्रिल को क्रिएट कर लिया। अब आप डॉट्स लगा सकते हैं इसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, जिस तरह से मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इस वीडियो में हम स्पायरल्स लीव्स भी करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम लीव्स या फिर फ्लावर्स इन्हीं चीज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा स्पायरल है और इसमें भी अगेन सेम हम वही पैटर्न बिना गाइडलाइन के कर रहे हैं और हमने यहाँ पर फ्रिल क्रिएट कर ली। इसमें हमने छोटी फ्रिल क्रिएट की है और ये हम बिना गाइडलाइन के क्रिएट कर रहे हैं। इसमें कोई भी गाइडलाइन हमने नहीं बनाई है और यहाँ पर भी हम यहाँ जैसे हमने डॉट लिया है, अगर आपने हाफ में बनाना है तो आप इस तरह से हाफ में भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हाफ में लेना है तो हम इस तरह से छोटी सी लाइंस लेनी पड़ती हैं दो तीन, और उसके साथ हमें फ्रिल क्रिएट करनी पड़ती है जो कि आपका हाफ स्पायरल होगा। तो आप कंप्लीट स्पायरल और हाफ स्पायरल्स क्रिएट करने की प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ मैं आपको अलग अलग तरह के लीव्स एंड में भी बताऊंगी किस तरह से बनाना है और हर तरह के लीव्स को हम क्रिएट करना सीखेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे स्पायरल से रिलेटेड एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे टू हॉरिजॉन्टल लाइंस ली हैं और इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे बोल्ड लाइन क्रिएट करेंगे। पहले हमने फोर लाइंस ली हैं और इनके बीच वाली दो लाइंस में हम उसे बोल्ड कर देंगे, बोल्ड लाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमारा फॉर्म होता है बनाने का, मेहंदी प्रैक्टिस का, और यहाँ पे हमने फ्रिल क्रिएट कर लेनी है। तो ये हमारा मेथड है। अब आराम से जैसे कि हमने फ्रिल क्रिएट की, अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर इसे स्पायरल्स बनाएंगे। स्पायरल बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे हल्का सा स्पायरल बनाया है और यहाँ पर इसके फ्रिल बनाएंगे। तो ये इस तरह से इसके डिज़ाइंस को क्रिएट किया जाता है। आप देखिएगा कि इसी डिज़ाइन में मैं आपको अलग अलग तरह के लीव्स भी बनाना सिखाऊंगी और नेक्स्ट लास्ट में भी हाँ मैं इसमें आपको अलग अलग तरह के लीव्स को क्रिएट करना सिखाऊंगी कि आप बाद में भी फिलिंग कर सकते हैं, साथ में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में भी फ्रिल क्रिएट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने हर तरह का स्पायरल क्रिएट किया, ये हमने हाफ में भी कर लिया। अब यहाँ पे जब हमने फ्रिल क्रिएट करने यानी लीफ क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े लीव्स इस तरह से आप एक आउटलाइन क्रिएट करके इसको बाद में फिल कर सकते हैं। ये आपकी विश होती है। जैसे कि आप देखिए मैं यहाँ पे जस्ट आउटलाइन क्रिएट की है, एक जो नॉर्मल रफ सी आउटलाइन क्रिएट की है और इसको हम बाद में फिल कर लेंगे। और नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस तरह से ले सकते हैं, अपने लीव्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्रिएट किया है और
ये हमारा पैटर्न इजली क्रिएट हो जाएगा। इससे भी छोटे अगर लीफ क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी पहले प्रेशर, यानी ये हमने ऊपर से क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये जो है प्रेशर आपको कितना, अगर ज़्यादा प्रेशर दोगे तो ज़्यादा जो है हमारी मेहंदी कोन में से ज़्यादा आएगी, अगर आप कम प्रेशर दोगे तो कम आएगी। तो बड़ा छोटा आप किसी भी तरह के लीफ क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ चार तरह के लीफ क्रिएट किए हैं, और अगर आप इसको एंड में, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसकी फिलिंग कर सकते हैं, बाद में कर लीजिए, पहले आउटलाइन क्रिएट कर लीजिए। ये आप कर लीजिए। ये आपको चार तरह से मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हैं। आप कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। हमारे फोर पैटर्न्स हमने यहाँ पे किए हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ दो जो है पैटर्न देख लेते हैं, पैटर्न डिज़ाइन देख लेते हैं, और दो पैटर्न डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और आप देखिए हमने किस तरह से क्रिएट किए हैं, और आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, और फिर हम लीफ का देखेंगे हमने लीफ कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने ली है हॉरिजॉन्टल लाइंस, और सेम हमारा जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम यही कर रहे हैं ना, कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, बोल्ड लाइन लेनी है, फ्रिल क्रिएट करनी है, देन डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो ये ही हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो अब इसके, इस टॉपिक के बाद हम छोटे छोटे से पैटर्न सीखेंगे, जैसे कि हमारे लीफ्स पैटर्न्स हो गए, हमारे फ्लावर पैटर्न्स हो गए, अलग अलग तरह के पैटर्न्स को बनाना सीखेंगे। तो ये हमारे ये स्टार्टिंग की क्लासेस हैं जो कि आप हमने की हैं, और यहाँ पे हमने स्फायर यानी कि फ्रिल क्रिएट कर ली। तो ये बहुत इजी पैटर्न रहता है हमारे बनाने के लिए, और हमारे जो आगे वर्क के लिए, ताकि हमारे एनहेंस हो जाए। अब आप देखिए हमें अब हल्का सा एक 3D पैटर्न क्रिएट करने की, टाइल पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बॉक्सेस बना लिए, और इनको हम एक हल्की सी शेडो दे देंगे अंदर। यहाँ पे हम दे देंगे हल्की सी इसके अंदर शेडो इफेक्ट, और ये जैसे कि हमने पैटर्न बनाया, और यहाँ पे हल्का सा आपने क्या करना है, कीप की हेल्प से हल्का सा बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ शेडो क्रिएट करनी है। तो ये पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ हम एक और डोरी पैटर्न भी देखेंगे, रोप टाइप का पैटर्न, वो भी हम इसमें क्लियर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। कुछ 3D पैटर्न्स मैं आपका फर्दर आपके लिए लेके आऊँगी, और वन बाय वन हम अपना सारा कवर कर लेंगे। तो ये है हमारा पैटर्न, इसको हम बोल्ड कर लेंगे और अब फर्दर इसको सेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने बड़ी वाली फ्रिल जो है वो क्रिएट कर ली है, और इस तरह से, और इसको हमने एक तरह से इसको डिफ़ाइन कर देना है। डिफ़ाइन करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लेके हम इसे फिल कर देंगे। अब इसे डिफ़ाइन होता है, ये जो हम बोल्ड लाइन लेते हैं ना, ये हमारे पैटर्न को डिफ़ाइन कर देते हैं। हमारे जो हम क्रिएट करते हैं हमारे डिज़ाइंस, उन्हें जो है एनहेंस कर देते हैं। अब इसके बाद एक और डिज़ाइन देख लेते हैं इसी तरह का, और उसको हमने किस तरह से किया है। इसी में ही हम आगे हम ना फर्दर डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं इसी के साथ ही, ठीक है। इसी के साथ ही हम फर्दर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, एक लाइन ली है, और लाइन लेकर मैंने एक सेंटर लाइन, एक रफ लाइन क्रिएट कर लिया है। ये सेंटर एक गाइड लाइन होगी, और यहाँ पर हमने इस तरह की शेप बनानी है। और इस शेप को बनाते वक्त हमने क्या करना है, या इस तरह के पैटर्न को क्रिएट करना है इस तरह से। तो ये पैटर्न हम क्रिएट कर रहे हैं। अब इसको हमने शेप देने के लिए हमने क्या करना है, जैसे कि हमने इसको बनाया, तो इसको ऊपर और नीचे की साइड भी हमने इसी तरह से ही वेव पैटर्न को क्रिएट करेंगे। इस तरह से ऊपर और नीचे की साइड भी हम वेव पैटर्न को क्रिएट करेंगे, जिससे हमारा डोरी स्टाइल आएगा, ठीक है। जैसे रोप स्टाइल होता है, जैसे हमारी रस्सी का स्टाइल होता है, कुछ इस फॉर्म में हमारा रोप स्टाइल आ जाएगा, और
इसके बाद हमने इसे फिलिंग करना है। फिलिंग करने के लिए आपको सेंट्रल सेंटर वाला पार्ट कम्प्लीटली फिल करना होता है, और हमने इसे पहले नीचे वाले डाउनवर्ड डायरेक्शन से इसे फिल कर लिया, और इसी तरह से हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन से फिल कर लेंगे। और उसके बाद फिलिंग करने के बाद हम इसे बोल्ट कर लेंगे, यानी नीचे से भी ऊपर से भी दोनों साइड से हम इसे बोल्ट कर लेंगे, और इस तरह हमारा ये 3D पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। आप देखिएगा, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी अपने डिज़ाइंस की, कि जो अगर आपको अच्छे से इनको सीखना है तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत इसमें होती है, नीड होती है। तो हमने क्या करना है, अब हम इसे डबल लाइन कर लेते हैं और अंदर से भी इसको फिल करेंगे, अंदर से भी हमारा रह रहा है फिल करना। तो यहाँ पे फिल क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस आप कीजिए अपने मेहंदी की डिज़ाइन में, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे हमने इसे कर लिया है कंप्लीट, और अब हम करेंगे इसको अंदर से भी फिल कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हम थोड़े से पेटल्स के डिज़ाइन देख लेते हैं। हमने थोड़े से पेटल्स के डिज़ाइन बिल्कुल कम देखेंगे, यानी कि आज की वीडियो में हम कम पेटल, नेक्स्ट हम पेटल्स और फ्लावर्स कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की, और भी आपके लिए डिज़ाइंस जो हैं वो बताएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए, आपने एक तो छोटा पेटल इस तरह से क्रिएट करके आप उसे अंदर फिल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली करना चाहते हैं डायरेक्टली कर सकते हैं, फिलिंग के साथ करना चाहते हैं फिलिंग के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, अब 3 पेटल्स जो है हम इकट्ठे क्रिएट करेंगे, और इस तरह से आप 3 पेटल्स को इकट्ठा क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए, इसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो कीप है ना, वो एक जगह नहीं रहनी चाहिए, यानी कि आपका जो कोन है वो एक जगह से नहीं चलना चाहिए, नहीं तो डॉट्स जो है वो बहुत सारे बन जाते हैं कई बार जब स्टार्टिंग में हम वर्क करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप छोटे बड़े पेटल्स जैसे भी चाहें वैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए, हमने इसमें कितने सारे पेटल्स क्रिएट किए हैं, और हम और भी आप इस तरह के पेटल्स को बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए पेटल्स को क्रिएट करने की। देखिए, जैसे जैसे हम काम करते हैं तो वैसे वैसे हमारा जो हैंड है वो ईज़िली मूव करने लग जाता है। तो इस तरह से आप पेटल्स की प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट, अगर आपको छोटे पेटल्स बनाने हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा लें, थोड़ा प्रेस करें, प्रेस करेंगे तो हमारा जो मेहंदी है निकलेगी, और उसको छोड़ दें इस तरह, जैसे कि हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आप छोटे छोटे से डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं अपने, और इन्हीं की छोटे छोटे डिज़ाइंस की सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी होती है, बाद में हमें उनको सबको मिला कर डिज़ाइन क्रिएट करने होते हैं। तो आप इस तरह के डिज़ाइंस की प्रैक्टिस करें, ताकि आप एक अच्छे से डिज़ाइन जो है क्रिएट कर सकें, और इस तरह से ही आप एक अच्छे परफेक्टली डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप भी परफेक्ट बन सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।